टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली एनर्जी के ऊपर वर्क करती है, आपका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस मिलती हैं, गाइडेंस मिलती है, करंट एनर्जीज के ऊपर वर्क करता है और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, लाइक आज हमारी एनर्जी कुछ है तो थोड़े दिन बाद थोड़े मंथ्स बाद कुछ होगी। एस्ट्रोलॉजी में कुछ फिक्स्ड होती हैं चीज़ें, रूल्स के कुछ ग्रह हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डाल। सजेशन तो लोगों के लिए यही होगा कि मेडिटेशन करनी चाहिए। कंचन टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम यहाँ पर एक प्रोग्राम में पहुँचे हैं जहाँ पर देश भर से एस्ट्रोलॉजर्स इकट्ठे हुए हैं और ऐसे ही हमारे साथ गुर कमल जी हैं जो कि लुधियाना से आई हैं, टैरो कार्ड रीडर है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। वेलकम। थैंक यू। पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं लुधियाना से हूँ, मेरा नाम गुरकमल है और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली एनर्जी के ऊपर वर्क करती है, उसमें आपको आपका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस मिलती हैं, गाइडेंस मिलती है और आपको एक तरीके से काउंसलिंग मिलती है कि आप क्या कर सकते हैं और आपको किस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। तो बेसिकली ये उस चीज़ के ऊपर वर्क करती है जो कि लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, कि मैंने खुद भी जब इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट हुआ और मैंने इस चीज़ को सीखा तो मैंने खुद भी देखा कि वो रीडिंग्स बहुत रेजोनेट करती हैं आपकी एनर्जी के साथ जब आप उससे कनेक्ट होते हो कार्ड्स के साथ। कितने टाइम से कर रहे हैं आप टैरो रीडिंग? मुझे ये सेकेंड ईयर हो गया। और सीखना कब से शुरू किया था, मतलब एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो कितनी डिफरेंट है टैरो रीडिंग? एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मैं ज़्यादा इतना जानती नहीं हूँ क्योंकि मैंने कोई स्टडी नहीं की है। बेसिकली डिफरेंस यही है कि ये करंट एनर्जीज के ऊपर वर्क करता है और एनर्जीज चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, लाइक आज हमारी एनर्जी कुछ है तो थोड़े दिन बाद थोड़े मंथ्स बाद कुछ होगी, तो उसके हिसाब से आउटकम चेंज हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में कुछ फिक्स्ड होती हैं चीज़ें, रूल्स के कुछ ग्रह हैं वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज होता रहता है हमारी एनर्जी के अकॉर्डिंग। अगर हम टैरो कार्ड रीडिंग की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में हमें बहुत से उपाय करने के लिए मिलते हैं, तो जैसे टाइम खराब चल रहा होता है, ग्रह चेंज हो रहे होते हैं, तो उसमें टैरो कैसे हेल्प करता है? तो इसमें हीलिंग हेल्प करती है, पहले तो खुद की हीलिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे नेचर के साथ कनेक्ट करना, कुछ सोसाइटी के लिए करना, तो इस तरीके की रेमेडीज होती हैं, टैरो में भी होती हैं, बट एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसकी खुद की हीलिंग के साथ स्टार्ट होती है सभी चीज़ें। अच्छा, लोगों को कुछ आप सजेशन देना चाहिए अपनी तरफ से कि वो किस तरह से खुद ही हील कर सकते हैं लोगों? सजेशन तो लोगों के लिए यही होगा कि मेडिटेशन करनी चाहिए अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए, थोड़ा सा टाइम जरूर मेडिटेशन के लिए निकालो ताकि आप खुद भी शांत रहो और दूसरों को भी अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे सको। तो ये थे हमारे साथ गुरकमल जी जो कि लुधियाना से आए हैं। यहाँ पर स्पेशली एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, उसमें ये पार्टिसिपेट करने आए हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए कंचन टीवी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।